आपने भी नोटिस जरूर किया होगा कि अब लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर स्विच करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल अब पहले के मुकाबले कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा अब रोड पर चल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखकर ही लग जाता है। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल व्हीकल्स को डिफीट करने की रेस में काफी ज्यादा पीछे है, जिसका एक सीधा साधा सा रीजन है कि लोग सोचते हैं कि ये बार बार चार्जिंग के झंझट में क्यों फंसे। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है तो आज हम आपको बताने के लिए आए हैं 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में, जिनमें से एक स्कूटर को तो आप सिर्फ एक बार चार्ज करने पर 320 किलोमीटर तक चला सकते हैं। ये सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो, क्योंकि इतनी अच्छी रेंज या माइलेज कहें तो पेट्रोल स्कूटर्स भी नहीं दे पाते, पर ये एकदम सच है। तो आइए शुरुआत करते हैं और कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली ईवीज को लेकर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ग्रैफ्टन क्वेंटा। ग्रैफ्टन एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने भारत में ग्रैफ्टन क्वांटा इलेक्ट्रिक मोपेड को लॉन्च किया था। कंपनी ने इसमें 3kW इन हाउस मेड BLDC मोटर दी है, जो 180 NM का पीक टॉर्क जनरेट करने में केपेबल है। इस ईवी की खास और दमदार बात यह है कि ये ईवी वन टाइम चार्जिंग पर 320 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड कर सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आर है और इसकी बैटरी 3 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका स्टार्टिंग प्राइस 99,000 रुपए है। सिंपल एनर्जी वन। इस स्कूटर को कंपनी जनवरी 2023 में लॉन्च कर सकती है। बता दें कि इसमें 4.8kW की बैटरी पैक दिया गया है, जो 72 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं आप इसे वन टाइम चार्ज करने के बाद 236 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं प्राइस को लेकर अगर बात करें तो कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपीज रखी है। ओला S1 Pro। इस स्कूटर को काफी लोगों ने खरीदा और पसंद भी किया। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खासियत है कि ये फास्ट चार्जर से सिर्फ 18 मिनट में चार्ज होकर 75 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि वन टाइम फुल चार्जिंग के बाद ये ईवी 181 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने ओला S1 Pro में 3.97kWh का बैटरी पैक दिया है। वहीं इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,29,999 रुपीज है। हीरो इलेक्ट्रिक NYX HX। कंपनी ने इस ईवी में 1.5kWh का पोर्टेबल बैटरी पैक दिया है, जिसे फुल चार्ज होने में लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं और ये फुल चार्जिंग के बाद 165 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। आपको बता दें कि ये इस लिस्ट में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी शुरुआती कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 86,490 रुपीज है। ओकिनावा आईप्रेज। आखिर में बात करते हैं ओकिनावा आईप्रेस की, जिसमें कंपनी ने 3.3kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है, जिसे चार्ज होने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं और एक बार पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ये ईवी 139 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड कर सकती है। वहीं इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,21,653 रुपीज है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑटोनेस को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।